फर्स्ट ऑफ ऑल इनको अपने पैकेजिंग से फेस वर्ड को हटा देना चाहिए, बिकॉज डेफिनेटली ये प्रोडक्ट फेस के लिए नहीं बना है। शैम्पू यूज करती थी ना, मेरे बाल अजीब से ड्राई हो जाते थे, इसको लगाते ही जो मेरी स्किन जली है ना, मतलब हेलो एवरीवन, माय नेम इज कशिका, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी वेयर एवर यू आर। आज मैं करने वाली हूँ प्रोडक्ट एम्प्टीज, और बहुत सारे एम्प्टीज हैं मेरे पास, तो प्लीज चाय कॉफी लेके बैठ जाओ, बिकॉज वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। मैंने 2022 में ट्रस्ट में यही प्लान बनाया था कि मैं 3-3 मंथ्स के एम्प्टीज करूंगी, ताकि इतना ज्यादा बड़े भी ना हो, वीडियो लंबी ना हो, बट एज यूजुअल लेजी कशिका मेरे वीडियो आइडियाज डिले होते रहते हैं। सो आज मैं करने वाली हूँ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल तक है, हम ये तो अब स्टार्ट होने वाला है। मेरा बर्थडे मंथ आ रहा है ये, बाय द वे मैं अपने मई में गिव अवे सीरीज करने वाली हूँ, जो मेरा मन है बर्थडे आप सबके साथ सेलिब्रेट करने का, तो हर वीक एक गिव अवे आएगा, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड, मेक श्योर यू आर पार्ट ऑफ माय फैमिली। और बहुत सारे एम्प्टीज लास्ट ईयर के भी है, बिकॉज ऑब्वियसली जब लास्ट टाइम दिसंबर में बनाई थी तब कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ था। सो आज आपको पता चल जाएगा दीज प्रोडक्ट्स आर वर्थ योर मनी और नॉट, आपको खरीदने चाहिए नहीं खरीदने चाहिए, मेरे लिए कैसे वर्क करें हैं। बेसिकली आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स का एक शॉर्ट रिव्यू आज देखने को मिलेगा। सो जस्ट इन केस यू आर न्यू हेयर, प्लीज टेक अ मोमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल, बेल आइकन पे भी हिट कर देना, रेड बेल आइकन बोला मैंने, रेड बटन पे हिट करके बेल आइकन पे भी हिट कर देना, सो दैट यू आर ऑलवेज नोटिफाइड। विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, मैंने सारे प्रोडक्ट्स को सेग्रीगेट कर दिया ताकि मैं कैटेगरीज में बात करूं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्किन केयर के साथ। स्किन केयर में मेरी फेवरेट कैटेगरी है सीरम्स, मैंने काफी सारे सीरम्स फिनिश कर दिए। सबसे पहले जो दो मेरे पेटेंट सीरम है जो मेरे सारे एम्प्टीज में होते हैं, आई थिंक मैं थर्ड या फोर्थ टाइम पे यूट्यूब पे प्रोडक्ट एम्प्टीज बना रही हूँ लास्ट वन ईयर से, और ये दोनों हमेशा होते हैं। सबसे पहले है प्लम का 15% विटामिन सी सीरम, लव दिस वन, ये इतने अच्छे से वर्क करता है ना एक्ने मार्क्स पे, जो भी डार्कनेस हो जाती है, पिगमेंटेशन हो जाती है, बहुत जेंटल भी है। काफी लोग मुझे डीएम करते हैं कि हम 15% लगा सकते हैं, बहुत हाई तो नहीं हो जाएगा हमारे लिए? देखो, अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, हाइपर सेंसिटिव है, या फिर आपने आज तक केमिकल एक्सफोलिएशन नहीं करी, तो शायद आपके लिए हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको ये टिंगलिंग सेंसेशन देगा, बट अदरवाइज अगर आपकी स्किन पे आप केमिकल एक्सफोलिएशन ऑल करते हो ना, गो फॉर दिस वन, ये बहुत सेफ है, इसकी बहुत अच्छी जेंटल फॉर्मुलेशन है, येट 15% है तो वो इफेक्टिव भी है। मेरे सारे जो एक्ने मार्क्स एंड ऑल है ना, ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। इसकी मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है, प्लस अभी प्लम ने अपनी विटामिन सी पूरी रेंज लॉन्च करी है, मैंने उसकी भी अभी रिसेंटली डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी, आप दोनों जाके देख सकते हैं, मैं नीचे लिंक कर दूंगी, आपको पूरा उसमें समझ आ जाएगा इसमें इंग्रीडियंट्स क्या है, वर्क कैसे करता है, इसका टेक्सचर कैसा है, बिकॉज अब तो ये पूरा खत्म हो चुका है, ऑब्वियसली इसके अंदर कुछ नहीं बचा। मेरा एफिलिएट कोड है प्लम की वेबसाइट पे, विजिट कशिका 15, यू कैन ग्रैब 15% ऑफ एडिशनली, और वैसे भी उनपे सेल चलती रहती है। नेक्स्ट सीरम है मिनिमलिस्ट का अल्फा आर्बिटिन एंड हाइलुरोनिक एसिड सीरम, मैंने इनका जो न्यू अब रीवैम्प हो चुकी है फॉर्मुलेशन, उन्होंने कहीं ना कहीं अपना पूरा ब्रांडिंग रिवैम्प कर दिया है, तो मैंने न्यू वाला कल ही ऑर्डर किया, कल मेरे पास रिसीव हो गया था, मैंने जो फॉक्सी से ऑर्डर किया था। सो ये ओल्डर वाली बॉटल है, ये अल्फा आर्बिटिन 2% एंड हाइलुरोनिक एसिड 1%। अल्फा आर्बिटिन भी एक्ने मार्क्स के लिए होता है, स्किन को हल्का सा ब्राइटन अप करता है, जिनको भी बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन इश्यूज है उस पर वर्क करता है। द ओनली कॉन ऑफ अल्फा आर्बिटिन इज आप जब तक लगाओगे आपकी स्किन पे असर दिखाएगा, जब छोड़ दोगे तो फिर आपकी स्किन थोड़ी सी वही अपनी डलनेस पे आ जाएगी, लेकिन जब तक आप अल्फा आर्बिटिन लगाते रहोगे ना, आपको लगेगा वाह यार आपकी स्किन कितनी ब्राइटन अप और ग्लोइंग लग रही है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो छोटे छोटे एक्ने मार्क्स होते हैं ना, जो स्पॉट्स हो जाते हैं, उस पर डेफिनेटली वर्क करता है। अब इनकी जो न्यू फॉर्मुलेशन है उसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड है, अल्फाबिटिन है, और एक और इन्होंने कुछ इंग्रेडिएंट डाल दिया, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रही अभी, जब मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करके रिव्यू करूंगी ना, मैं तब आपको बताऊंगी। सो इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी फॉर्मुलेशन को बेटर अप कर दिया है, वो मैंने कल फर्स्ट टाइम रात को यूज करी है, मैं अभी ज्यादा कमेंट नहीं कर सकती बिकॉज एक बार यूज करने में मैं नहीं बोल सकती, बट अदरवाइज आई एम रियली ह्यूज फैन ऑफ द अल्फाबिटिन सीरम। नेक्स्ट अप आई हैव लॉरियल का हाइलुरोनिक एसिड 1.5% सीरम, ये तो मेरा विंटर्स का साथी था, लिटरली मैंने सर्दियों में सबसे ज़्यादा ये सीरम यूज़ किया है। आपने मेरे अभी जो फेब में मेरे कज़न की शादी आई थी उसके मेकअप ट्यूटोरियल्स देखे होंगे, मैंने मेकअप से पहले भी यही सीरम लगाया था। आई थिंक ये सबसे बेस्ट सीरम है मेकअप करने से पहले, बिकॉज ये स्किन को सेंसिटिव नहीं बनाएगा, हम धूप में कहीं जाते हैं, शादी में जाते हैं, कि डे फंक्शन होता है, हम ऐसे विटामिन सी ये सब नहीं यूज़ करना चाहते, तो एक सिंपल हाइलुरोनिक एसिड सीरम बढ़िया है, स्किन को प्लम्प रखता है, मॉइस्चराइज रखता है, हाइड्रेशन अच्छी देता है। मेक श्योर इसको लगाने से पहले थोड़ा सा रोज वाटर या फिर स्किन को अपनी डैम्प रखो, उसके ऊपर लगाओगे हाइलुरोनिक एसिड सीरम तो ज्यादा अच्छे से वर्क करेगा। लव दिस वन, अगर आपको ऐसा सीरम देख रहे हो ना जो एकदम फस्ट फ्री है, मतलब आप चाहते हो एक सिंपल उसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड हो, तो आप ये वाला ले सकते हो। उसके अंदर इन्होंने कोई भी एक्स्ट्रा केमिकल एक्सफोलिएटर या कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं डाला हुआ, तो एक सिंपल हाइलुरोनिक एसिड है जो सबको सूट कर जाता है, रियली नाइस एज अ मेकअप बेस। नेक्स्ट आई हैव डर्माकोका 10% फेस सीरम, आई थिंक मैं लास्ट ईयर के मिड तक ये खत्म कर दिया था, लेकिन मैं इसको कहीं रख के भूल गई थी, मुझे अब ये बॉटल मिली है, ये बड़ी वाली बॉटल है इनकी। अब जो है डर्माको कम्प्लीटली फ्रेग्रेंस फ्री हो चुका है, ये पुरानी वाली फॉर्मुलेशन है जिसके अंदर फ्रेग्रेंस थी, तो मैंने इसको ज़्यादा फेस पर ना खाली इतना ही यूज़ किया था, उसके बाद मैंने जो बच गई थी फिर मैंने उसको लेग्स पर यूज़ कर लिया था, बिकॉज मैंने लास्ट ईयर के लास्ट 2-3 मंथ्स में फ्रेग्रेंस वाले सीरम्स को यूज़ करना बिल्कुल कम कर दिया, मैं ज़्यादा नहीं यूज़ करती, सो जो बचा था मैंने अपनी लेग्स पर यूज़ कर लिया। सबसे बेस्ट तरीका होता है जो सीरम
सीरम बचता है आप अपनी लेग्स पर लगा लो, आपकी लेग्स भी थोड़ी सी ब्राइटन अप हो जाती है। एंड डेफिनेटली जो मेरे लेग्स पर थोड़े बहुत एक्ने, जो एक्ने नहीं जो मार्क्स हो जाते हैं ना वैक्सिंग के, शेविंग के कट्स पड़ जाते हैं, इनग्रोन हो जाती है, आप ऐसे स्पॉट्स पड़ जाते हैं, उस पर डेफिनेटली बहुत अच्छे से वर्क करता है। सो दिस इज रियली नाइस। आप फ्रेग्रेंस फ्री हो चुका है तो काफी जेंटल भी फाउंडेशन आप फेस पर भी यूज कर सकते हो। कमिंग टू सनस्क्रीन, मैंने ये तीनों ही सनस्क्रीन जो मैंने अभी रिसेंटली वीडियो डाली है बेस्ट फिजिकल सनस्क्रीन इन इंडिया, मैंने उसी के लिए संभाल के रखी थी। वो वीडियो लाइव हो चुकी है, अब मुझे इनको संभाल के रखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले है जेड ब्लॉक, ये जिंक ऑक्साइड की सनस्क्रीन है, ये भी एक फिजिकल सनस्क्रीन है बाय द वे। मैंने इन तीनों के बारे में प्रॉपर समझाया उस वीडियो में, टेक्सचर दिखाया है, अप्लाई कैसे होती है, कौन सी स्किन टाइप के लिए कौन सी सनस्क्रीन अच्छी होती है, तो प्लीज आप जाकर वो वीडियो देखना। मैं यहाँ पर कहीं लिंक कर दूंगी या फिर नीचे डाल दूंगी। अगर आप भी फिजिकल सनस्क्रीन लगाना प्रेफर करते हो तो ये कुछ अच्छे ऑप्शन है। सबसे पहले है जेड ब्लॉक मेरे पास, सेकंड है मेरे पास क्योर्स की मैटिफाइंग, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ये मैंने विंटर्स में काफी ज्यादा यूज करी है बिकॉज ये अच्छे से मॉइस्चराइज करती है, ये अपने आपको मैटिफाइंग बोलती है, बट ट्रस्ट मी इसके अंदर जो एलोवेरा, वाइटामिन ई, सी बक्सॉन एंड ऑल है ना, वो स्किन को बहुत अच्छे से नरिशमेंट देता है, तो ये मुझे विंटर्स में काफी अच्छी लगती है। अब मैं इतना इसको यूज नहीं करती बिकॉज समर में मेरी स्किन ग्रीसी हो जाती है। थर्ड सनस्क्रीन इज द इक्लैट सुपीरियर हाइड्रालाइट, ये भी एक फिजिकल सनस्क्रीन है, मैंने तीनों का रिव्यूज वीडियो में किया, तो प्लीज गो अहेड एंड वॉच बिकॉज वीडियो लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट आई हैव अनदर प्रोडक्ट फ्रॉम इक्लैट, ये इक्लैट का डबल रिपेयर हाइड्रा मॉइस्ट हाइड्रो प्लम्पिंग वेटलेस मॉइस्चराइजर क्रीम विद प्रो बायो बैलेंस, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नाम है, बट दिस हाउ इट लुक्स लाइक। आप देख सकते हो मैंने पूरी निचोड़ दिया अच्छे से, इसका टेक्सचर थोड़ा सा थिक है ना, तो इसमें से निकालने में थोड़ा इशू होता था, तो लास्ट में मैंने बिल्कुल आते आते इसको निचोड़ा है। ये मैंने विंटर्स में काफी यूज करी थी, अभी दिसंबर जैन के मंथ में, ये एक्चुअली बहुत अच्छी है, मैं इसको अभी भी यूज कर सकती हूँ, इतनी कोई हैवी फील नहीं होती। जिस दिन मुझे लगता है मेरा बेस क्रैक होने वाला है या फिर मैं हैवी फाउंडेशन लगाने वाली हूँ, तो मैं इसको एज अ बेस मॉइस्चराइजर यूज कर लेती हूँ। स्किन को बहुत अच्छे से नरिशमेंट देता है, इसके अंदर प्रो बायो बैलेंस है, इसके अंदर सेरामाइड है 3%, इसके अंदर नायसिनामाइड है 5%, हाइलुरोनिक एसिड है, तो आप नायसिनामाइड सीरम भी स्किप कर सकते हो बिकॉज ये मॉइस्चराइजर आपको सब कुछ दे रहा है। आई ऑलवेज से अगर आप टीनेजर हो या फिर आप अभी अर्ली एज में हो, आप ज्यादा सीरम से ही लगाने वाले, आप ऐसा एक मॉइस्चराइजर लो जिससे आपको सीरम्स के इंग्रेडिएंट भी थोड़े बहुत मिल रहे हैं, तो आप सीरम स्किप कर सकते हो, यू कैन डायरेक्टली अप्लाई दिस मॉइस्चराइजर। आई लव दिस वन, आई विश मैं इसका टेक्सचर आपको दिखा सकती बट थोड़ा सा निकल जाओ, निकल जाओ। दिस इज हाउ द टेक्सचर ऑफ दिस इक्लैट मॉइस्चराइजर लुक्स लाइक, बहुत अच्छे से स्किन में चला जाता है। द ओनली थिंग इज इसमें हल्की सी खुशबू है विच इज बिकॉज ऑफ एसेंशियल ऑयल इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिकॉज इसके अंदर ये फ्रेग्रेंस फ्री है लेकिन इसमें एसेंशियल ऑयल है जिसकी हल्की हल्की इसमें खुशबू आती है, देन इट हैज नायसिनामाइड एंड ऑल जो मैंने आपको बताया था। लव दिस वन, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, थोड़ी सी ड्राई हो जाती है या फिर आपका बेस क्रैक होता है मेकअप वाला ना, तो ये लगा के देखना, ये बहुत अच्छे से नरिशमेंट देगा, सेरामाइड्स वैसे ही बहुत अच्छे होते हैं हमारी स्किन के लिए। आई ऑल्सो हैव अनदर सीरम जो मैं साइड में रख के भूल गई थी, ये नायका का स्किन आरएक्स का डीप नरिश 2% सेरामाइड कॉम्प्लेक्स सीरम, ये एम्प्टीज नहीं है बिकॉज इसके अंदर अभी भी प्रोडक्ट है लेकिन इसको निकालना इतना मुश्किल है ना। द ओनली कॉन ऑफ दिस सीरम इज द पैकेजिंग एंड द कंसिस्टेंसी, इनके और भी सीरम्स लॉन्च हुए थे लास्ट ईयर, स्किन आरएक्स का नायसिनामाइड लॉन्च हुआ, सैलिसिलिक एसिड, इन्होंने बेसिकली हर कैटेगरी में अपना सीरम लॉन्च कर दिया था। देख सकते हो इसका कितना थिक कंसिस्टेंसी, दो ड्रॉप के बाद ये निकलता ही नहीं है, लेकिन 800 रुपीज के हिसाब से आई स्टिल थिंक इन्होंने प्राइसिंग थोड़ी सी हाई रखी है। अभी भी आपको मिनिमलिस्ट के, प्लम के सीरम्स डिस्काउंट पे, डील्स लगा के, कूपन कोड्स लगा के आराम से 500-600 के अराउंड अच्छे मिल जाते हैं। सो आई वुड रियली प्रेफर दोज ब्रांड ओवर नायका स्किन आरएक्स, एंड या दैट इज माई ऑनेस्ट रिव्यू ऑन दिस सीरम। आई ऑल्सो फिनिश बायोडर्मा सीबीएम H2O मिसेलर वाटर, इनका ये जो ग्रीन वाला आता है दिस इज फ्रॉम द सीबीएम रेंज, और इनका एक पिंक वाला आता है वो सेंसिबो रेंज का है विच इज मोर फॉर सेंसिटिव स्किन पीपल, मुझे पर्सनली वो सेंसिबो वाला ज्यादा अच्छा लगता है, मैं इनफैक्ट आजकल वही वाला यूज कर रही हूँ जैसा सेम पिंक कलर का कैप वाला आता है। सीबीएम इज नाइस, ये एक्ने प्रोन स्किन के लिए सीबीएम रेंज बनी है, बट ये जो पर्टिकुलर मिसेलर वाटर है ना, ये मुझे काफी बार हल्की सी टिंगलिंग सेंसेशन देता था। आई डोंट नो इसमें क्या एक फ्रेग्रेंस ऐसा है या क्या है, हल्की सी टिंगलिंग सेंसेशन देता है, वेयर एज द सेंसिबो वन इज अमेजिंग। अगर आपकी एक्ने प्रोन सेंसिटिव स्किन है ना, गो फॉर द सेंसिबो वन, वो आपको नायका के डील पे बाय वन गेट वन फ्लैट 50% ऑफ ऐसे करके मिल जाता है, सो आप ग्रैब कर सकते हो। मैं इन सबके लिंक नीचे डाल दूंगी, जो भी डील वाले लिंक्स होंगे मैं नीचे डाल दूंगी, सो आप चेक कर सकते हो। कमिंग टू हेयर केयर, सबसे पहले मैंने फिनिश किए हैं शैम्पू, सबसे पहले है नायका का अनियन फेनुग्रीक शैम्पू, आई थिंक मैंने आपको लास्ट एम्प्टीज में दिखाया था, आई डोंट नो शायद इस बॉक्स में दोबारा आ गया, मैंने आपको शायद दिखाया था, उसको मैं अभी फीचर नहीं, ये मैंने लास्ट ईयर ही पूरा खत्म कर दिया था, एक और बॉटल भर पड़ी है मेरे पास, शायद मैंने इस बॉक्स में दोबारा ही डाल दिया था। नायका के शैम्पूज का आपको पता है आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ देयर शैम्पू, इनके सारे शैम्पू में से आप कोई पिक कर लो आप बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। आजकल मैं इनका यूज कर रही हूँ राइस वाटर वाला, फर्मेंटेड राइस समथिंग एक रेंज आती है, मैं वो यूज कर रही हूँ, थोड़ा सा भी लोगों ना इतना अच्छा ही फॉर्म होता है, बालों को क्लेंस बहुत अच्छे से करता है, मेरी स्किन ड्राई स्किन बोला मैंने, मेरे हेयर ड्राई नहीं फील होते, अच्छे स्मूथ एंड ऑफ रहते हैं, सो डेफिनेटली गो फॉर इट।
दिस टाइम आई ऑल्सो हैव अनदर एम्प्टी फ्रॉम नायका नेचुरल्स, या नायका का अनियन फेनोग्रिक का कंडीशनर. ये मुझे सरप्राइजिंगली अच्छा लगा. आई थिंक मैंने आपको किसी एक वीडियो में बोला था कि मुझे नायका के कंडीशनर इतने वाव नहीं लगते, बट ट्रस्ट मी अगर इनके पेयरिंग की बात की जाए ना, लाइक आप सेम पेयरिंग का या फिर सेम रेंज का भी नहीं, लेकिन आप नायका का कोई भी शैम्पू और नायका कोई भी कंडीशनर एक साथ यूज करोगे ना, आई थिंक दे परफॉर्म रियली वेल. इसने स्पेसिफिकली अभी विंटर्स में जैसे जैन दिसंबर का जो मंथ किया था, मेरी फ्रिज ने इसको काफी अच्छे से कम किया है. देयर आर डेज जब मेरा मन नहीं होता प्रॉपर हेयर मास्क लगा के बैठने का, मुझे फटाफट हेयर वॉश करके निकलना है, तो मैं ये वाला कंडीशनर लगाती थी. इसको लगाया हार्डली 10-20 सेकंड्स में वेट करती थी और फिर इसको रिंस ऑफ कर देती थी. बहुत अच्छे से मेरे फ्रिजीनेस को टेम डाउन रखता था, हेयर मेरे हल्के हल्के स्मूदन भी रहते थे. इसका टेक्स्चर बहुत पतला है, तो अगर आपके बहुत ज्यादा हैवी बाल हैं, वो हैवी फॉर्मुलेशन वाला हेयर मास्क या कंडीशनर नहीं यूज करना चाहती, यू कैन गो फॉर दिस वन. ये भी काफी सही है. ऑल्सो देयर हेयर केयर प्रोडक्ट्स आर मिनरल ऑयल फ्री, नो एडेड कलर, थैलेट फ्री एंड SLS, एंड पैराबिन फ्री, सो एज देयर शैम्पूज. हैव अनदर कंडीशनर फ्रॉम द ब्रांड मैट्रिक्स, या ऑप्टीलॉन्ग नरिश प्रोटेक्ट प्रोफेशनल नरिशिंग कंडीशनर विद सेरामाइड्स. इसके मैंने एक डेडिकेटेड स्पॉन्सर्ड वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने पूरा ऑप्टीलॉन्ग के बारे में बात किया था. ऑप्टीलॉन्ग का शैम्पू, ऑप्टीलॉन्ग का एक कंडीशनर और उनका एक लीव ऑन सीरम समथिंग आता था जो आप लीव इन प्रोडक्ट होता है. सो ये पूरा मैंने उसमें बात किया था, आप जाकर देख सकते हो, मैं नीचे लिंक भी कर दूंगी. बट मुझे स्पेसिफिकली एक कंडीशनर बहुत अच्छा लगा. आई थिंक दिस कैन बीट एनी हेयर मास्क. आप जो हैवी हैवी वाले टेक्स्चर वाले हेयर मास्क यूज करते हो ना, ये कंडीशनर उनको भी बीट कर सकता है. बहुत अच्छे से इस हेयर को एकदम स्मूद रफ रखता है. वैसे भी जो मैट्रिक्स की रेंज होती है ना, ये ट्रीटेड हेयर्स के लिए बनी होती है. लाइक अगर आपने कोई भी स्मूदनिंग कराई है, रीबॉन्डिंग कराई है, तो जितने भी सैलून वाले होते हैं वो ये वाली रेंज आपको रेकमेंड करते हैं, या तो ऑप्टी केयर रेकमेंड करते हैं या फिर ऑप्टी लॉन्ग रेकमेंड करते हैं. दोनों ही बहुत अच्छी है. इसमें सेरामाइड्स हैं, वो एक्चुअल में आपके बालों को एक नरिशमेंट देते हैं, आपके बालों में एक शाइन बनी रहती है. लव दिस वन. अगर आपकी भी कोई ना कोई ट्रीटेड हेयर है या फिर आप थोड़ा सा स्मूदनिंग पे वर्क कर रहे हो, थोड़ा सा स्ट्रेटनर बाल पे वर्क कर रहे हो ना, यूज दिस वन, यू विल लव इट. नेक्स्ट आई हैव अनदर शैम्पू जिसके साथ मेरा एक हेट वाला रिलेशनशिप शुरू हुआ था, और एंड में आते आते मुझे ये ठीक लगा. ये मुझे नायका के पिंक बॉक्स में रिसीव हुआ था जो पिंक सेल लगी थी उनकी. ये है बेला एलिमेंट्स का रिन्यूइंग शैम्पू, जेंटल शैम्पू फॉर ऑल हेयर टाइप्स. कुछ इस तरह से दिखता है, दिस इज हाउ द ब्रांडिंग एंड ऑल लुक्स लाइक. बेला के शैम्पूज के बारे में मैंने काफी सुना था, इनफैक्ट मुझे डीएम्स आते थे, कमेंट्स आते थे कि बेला के रेंज का कोई रिव्यू करो, बेला के शैम्पूज बताओ. काफी सैलॉन्स में भी अगर आप जाओगे ना, तो सैलॉन के प्रोफेशनल भी यही रिकमेंड करते हैं कि आप बेला का ये रेंज यूज करो. मुझे पर्सनली इतनी अच्छी नहीं लगी. ये बिल्कुल क्लियर ट्रांसपेरेंट जेल लाइक एक शैम्पू था, इतना ज्यादा फॉर्म अप नहीं होता. इसको हटाने के बाद इतनी अच्छी फील नहीं आती कि मेरे बाल अच्छे से क्लेंस हुए नहीं है. बहुत ज्यादा ही जेंटल ये शैम्पू है. प्लस ये मेरे बालों को थोड़ा सा ड्राई बनाता था. इसको अगर मैं खाली एज अ स्टैंड अलोन शैम्पू यूज करती थी ना, मेरे बाल अजीब से ड्राई हो जाते थे. सो मैं क्या करती थी, मैं इसको एज अ फर्स्ट क्लेंजर यूज करती थी, फर्स्ट स्कैल्प. उसके बाद मैं कोई भी नायका का अपना शैम्पू यूज कर लेती थी फॉर सेकंड क्लेंजिंग. मैं मैक्सिमम केसेस में कोई ना कोई ऑयलिंग करके रखती हूँ, ओवर नाइट मैं एलोवेरा जेल लगा के रखती हूँ. तो मैं सिंगल क्लेंजिंग पर डिपेंड नहीं करती, मैं हमेशा डबल क्लेंजिंग करती हूँ. तो मैंने इसको एज अ फर्स्ट क्लेंजर यूज किया और ऐसे ही करके मैंने इसको पूरा खत्म किया. ये लिटरली मैंने परसों खत्म किया पानी डाल डाल के. एंड ये आई थिंक मैं इसको एज अ स्टैंड लोन शैम्पू रिकमेंड नहीं करूंगी. वी हैव बेटर शैम्पूज इन द मार्केट, दिस इज एवरेज. नेक्स्ट अप आई हैव प्लम जिंसिंग फॉर रेस्क्यू स्कैल्प सीरम, फ्रेग्रेंस फ्री. अपने आपको क्लेम करता है, दिस व्हाट इट लुक्स लाइक. इसका यहाँ पे नोजल है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से अप्लाई कर सकते हो ओपन करके. सो ये स्पेसिफिकली है फॉर हेयर फॉल, और ये स्कैल्प पर ही लगाया जाता है. दिस इज नॉट फॉर योर हेयर, ओनली फॉर योर स्कैल्प. तो आप ऐसे पार्टीशन कर करके, बिल्कुल ये पतले पानी जैसा है, तो उसको पूरा ही मत खोलना. लिटरली ऐसा पानी पूरा ऐसा ड्रिप कर जाता है आपके ऊपर. तो इसको थोड़ा सा ही मैं खोलती थी और ऐसे सर ऊपर करके लगाना पड़ता था, बिकॉज ये लिटरली वाटर लाइक है. लेकिन ये एक्चुअल में बहुत अच्छे से वर्क करता है ऑन इचनेस, ऑन डैंड्रफ, अगर आप बाल बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है. और वैसे भी जो जिंसिंग होता है उसकी काफी अच्छी हेयर ग्रोथ बूस्टिंग कैपेसिटी होती है. ये हेयर फॉल को भी थोड़ा बहुत कम करने की कोशिश करता है. इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा है, लाइक 650 रुपीज फॉर दिस मच क्वांटिटी, बिकॉज पानी जैसा है तो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है. लेकिन अगर प्लम की कोई भी सेल आती है 30-40% ऑफ, मेरा फिर कोड भी लग जाता है उसके ऊपर, कशिका 15. तो ऐसे करके अगर आपको ये 300 या 400 की रेंज पे पड़ जाएगा ना, तब आप ये ले सकते हो. मुझे काफी सही लगा उस हिसाब से. दिस इज 7 फ्री फॉर्मुला. इसके अंदर सिलिकॉन, एल्कोहल, पैराबिन, प्रोपीलीन ग्लाइकॉल, जिंक, थैलेट, सल्फेट नहीं है. एंड या अगर आपके बहुत ज्यादा हेयर फॉल का इशू हो रहा है ना, यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ शॉट एंड ट्राई फॉर वन. प्लम हेलो एलो जस्ट जेल, वन ऑफ माई फेवरेट एलोवेरा जेल इन इंडियन मार्केट. ये मेरा थर्ड या फोर्थ परचेज होगी. इससे पहले मैं इनका टब वाला लेती थी, इस बार मैंने इनका एक पंप वाला लिया, सोचा थोड़ा सा हाइजेनिक रहे, ज्यादा डबल डिप या फिर फिंगर्स उसमें डिप ना करनी पड़े. वो आपने मेरे प्रीवियस एमटीज में काफी बार देखा होगा. और अभी रिसेंटली खत्म हो गया था, आप देख सकते हो नीचे थोड़ा सा है, लेकिन वो पंप में ना आ नहीं रहा था. और मुझे उस दिन जाना था अपने कजन के रोका पर, उसका
का फंक्शन था, तो मैं जब भी शेव करती हूँ ना, मैं एलोवेरा जेल लगा के शेव करती हूँ. सो मैंने उस टाइम क्या बेवकूफ़ी करी, मतलब नेवर डू दिस. जब भी आपको कोई इंपॉर्टेंट ओकेजन होता है, कभी ऐसा मत किया करो. मैंने एक नया प्रोडक्ट यूज़ कर लिया. यूज़ भी मैंने क्या किया, मामा अर्थ का एलोवेरा जेल मेरे पास रखा होता काफ़ी टाइम से. मुझे लगा चलो ठीक है यार, एलो टर्मरिक जेल है, ये क्या ही रिएक्ट कर जाएगा स्किन के ऊपर. मैंने इसको थोड़ा सा लगाया टू जस्ट शेव माई फेस. मैंने पूरे फेस पर अप्लाई किया ना, ओ माई गॉड, इसको लगाते ही जो मेरी स्किन जली है ना, मतलब इतनी सॉलिड मुझे चीजीनेस हुई है, अजीब सा ऐसा मुझे लग रहा था मेरा फेस जल गया है इसकी वजह से. मुझे इचिंग जैसा फील हो रहा था. मैंने उसी टाइम से फेस वॉश कर लिया, उसके बाद मुझे रेड पैचेस पड़ गए हर जगह पे. मैंने स्टोरी भी डाली थी कि मैंने क्या ही कर लिया यार, मुझे 2 घंटे फंक्शन में जाना है. मेरा नोज़ का एरिया पूरा रेड हो गया था, और 1 या 2 दिन बाद से यहाँ पे पीलिंग भी शुरू हो गई थी. अभी रिसेंटली 1 हफ्ते पहले की ये बात है. मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाने वाली हूँ कि मैंने कैसे अपना स्किन का बैरियर फिर रिपेयर किया, कैसे अब ठीक है, बिकॉज अब ड्राइनेस काफ़ी हद तक चली गई है, हल्की हल्की है, ज़्यादा नहीं है. मैं फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कोई प्रोडक्ट मेरे ऊपर इतनी बुरी तरह रिएक्ट किया हो. अदरवाइज़ ऐसा नहीं होता, या तो प्रोडक्ट सूट करता है फिर थोड़ा बहुत नहीं सूट करता. ऐसा नहीं होता लगाती आपकी स्किन जल जाएगी, ख़राब हो जाएगी. दिस डिड दैट सो वेरी बैड. ये तो एम्प्टीज़ में भी नहीं, आप पूरा देख सकते हो, ये पूरा का पूरा ऐसी कैसी भरा हुआ है. मैंने उसी दिन यूज़ किया था और मैंने इसको एम्प्टीज़ में डाल दिया, नॉट गोना यूज़ इट. नेक्स्ट अप आई हैव समथिंग फॉर बॉडी केयर. ये वूल वर्ड्स का एयर प्रोपेल शावर मूस आलमंड मिल्क एंड वनीला. ये सैडली आपको इंडिया में नहीं मिलेगा. आपने मेरा एक वो देखा होगा मिस्ट्री बॉक्स, जो मेरी फ्रेंड अभी साउथ अफ्रीका गई थी लास्ट ईयर. मैंने उसको बोला था कि मैंने उसको बजट दिया था 5000 का, मेरे मिस्ट्री बॉक्स वहाँ से बना के लेके आई थी. तो जो वूल वर्ड्स ब्रांड है, ये वहाँ की बहुत फेमस ब्रांड है. उसने मुझे बताया था कि वहाँ पे ये ब्रांड बहुत चलती है. शेविंग फोम जैसा नहीं है कि फोम निकल के आएगा, इसके अंदर से एक बेसिक शार्प जेली निकल के आता है, लेकिन आप जैसे उसको मसाज करना शुरू करते हो वो एकदम शेविंग फोम जैसा, एक मूस जैसा टेक्सचर बन जाता है. तो मुझे काफी सही पैकेजिंग लगी. मैं इसको एज अ बॉडी वॉश भी यूज कर लेती थी और एज अ शेविंग क्रीम भी इसको यूज कर लेती थी. जिस दिन मुझे शेव करना होता था मैं इसी को यूज करती थी, स्प्रेड करके शेव कर लेती थी. आई लव्ड इट. थैंकफुली मेरे पास एक और, उसने मुझे 2 वेरिएंट गिफ्ट करे थे, तो मेरे पास एक और इसका वेरिएंट है. ये कंप्लीटली मैंने फिनिश कर दिया, आई लव्ड इट. आई थिंक इंडिया में शायद डव ने ऐसा कुछ लॉन्च किया, डव का भी कुछ ऐसे ही आता है जिसको ऐसे निकालो और वो बॉडी वॉश जैसा है, वो ऐसे फोम कर जाता है. वो मैं यूज नहीं किया, अगर आपने यूज किया तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, बट ये बहुत अच्छा है. नेक्स्ट आई हैव लॉट ऑफ बॉडी स्क्रब्स, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा बॉडी स्क्रबिंग करती हूँ. आई शेव माई लेग्स, सो आई ऑलवेज स्क्रब माई हैंड्स एंड बॉडी. सो मैं फटाफट आपको दिखाने वाली हूँ. सबसे पहले है सोल डे जेनेरो का बूम बूम बॉडी स्क्रब. सोल डे जेनेरो अभी लॉन्च हुआ था नायका पे लास्ट ईयर के अराउंड. ये बाहर की ब्रांड है एंड आई लव इट. इट इज मोर लाइक एन एक्सपेंसिव ब्रांड, जो थोड़ी सी लग्जरी हाई एंड में आती है. ये स्क्रब भी आई थिंक 3-4 thousand के अबव समथिंग का है, तो अगर आप इतना स्प्लर्ज नहीं करते तो आप डेफिनेटली इसको स्किप कर सकते हो. अदरवाइज अगर आप स्प्लर्जिंग बिलीव करते हो, ट्राई इट, बहुत अच्छा है. इट स्मेल्स लग्जूरियस. इसमें शुगर का ऐसे क्रिस्टलाइज पार्टिकल्स हैं, इसमें कुछ इन्होंने वनीला ही खुशबू डाली हुई है, नरिशिंग है, मेरी स्किन को ड्राई नहीं करता था. लव दिस वन. डेफिनेटली अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये वर्क करता है, बट अगर आप इतना नहीं इन्वेस्ट कर सकते, आप नॉर्मल भी जो होटल सैंपल्स या रेस्टोरेंट में आपको शुगर के पाउचेस मिलते हैं ना, आप वो लेके आओ, उसमें हनी डालो, उसका कहीं ना कहीं क्लोजर ड्यूप आपका बन जाएगा, तो आप एक सस्ता ड्यूप इसका बना सकते हो अपने आप. नेक्स्ट आई हैव वाओ का फेस एंड बॉडी स्क्रब. फर्स्ट ऑफ ऑल इनको अपने पैकेजिंग से फेस वर्ड को हटा देना चाहिए, बिकॉज डेफिनेटली ये प्रोडक्ट फेस के लिए नहीं बना है. इसके ना इतने ग्रिटी पार्टिकल्स थे ना, अब तो मैंने इसको पूरा सफा चट कर दिया, आप देख सकते हो, आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा अंदर. इसमें जो इन्होंने पार्टिकल्स डाले ना, वो बहुत ग्रिटी हैं, वो शार्प है, वो आपको फेस पर अगर यूज़ कर लेना तो ट्रस्ट मी आपके फेस का बेड़ा गर्क हो जाएगा. तो इसको फेस पर तो डेफिनेटली मत यूज़ करना, बट लोअर लेग्स के लिए मुझे ठीक लगता है, बिकॉज वहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा इनग्रोन के इशू होते हैं ना, तो ये स्क्रब काफ़ी हेल्प करता है. नेक्स्ट आई हैव ब्रैन एंड कैंडी का जापनीज माचा ग्रीन टी शुगर बॉडी स्क्रब. ये भी आप देख सकते हो, खत्म कर दिया. थोड़ा बहुत आपको साइड पे लगा हुआ दिख रहा होगा. इसका एकदम ग्रीन कलर का एक गुई गुई जैसा टेक्सचर था, जो एकदम हैलोवीन जैसा फील देता था. ये भी काफ़ी अच्छा शुगर का एक बॉडी स्क्रब है. ये थोड़ा सा फोम अप भी होता है, मतलब ये एक मैंने पहली बार ऐसा स्क्रब देखा है जिसको आप लगाते रहो वो शुगर अपने आप ही मेल्ट होने लग जाती है आपकी बॉडी में, और एक ओवरऑल एक सोपी लेयर बन जाती है, एक फोम जैसी लेयर बन जाती है. तो मैं इसको लगाती थी, इससे स्क्रब करती थी, वही लेयर मेल्ट हो जाती थी, फिर उसी ऊपर मैं शेव कर लेती थी, बिकॉज वो एक फोमी व्हाइट कलर की लेयर बनती थी, तो शेविंग भी हो जाती थी. तो मुझे काफी सही लगा. अगर आप जल्दी जल्दी में शेव करने वाले हो ना, आप ये ब्रैन एंड कैंडी का प्रोडक्ट ले सकते हो. ब्रैन एंड कैंडी इज अ नाइस ब्रांड. इनके बहुत प्रिटी प्रिटी हैम्पर्स भी आते हैं, जैसे बाटा एंड ऑल के अंदर आपको सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं. लिटरली ये बाथ एंड बॉडी वर्क का एक सस्ता ड्यूप आप बोल सकते हो, आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो पूरा जो इनका हैम्पर आता है. सो मुझे ये अच्छा लगा, लाइक आप स्क्रब भी कर रहे हो, शेविंग भी हो जाती है, आपके दोनों काम हो जाते हैं. सो आई रियली लाइक इट. नेक्स्ट अप आई हैव नायका नेचुरल्स का टी ट्री एंड नीम प्योरीफाइंग फेस स्क्रब.
आप देख सकते हो ये भी मैंने निचोड़ दिया है, लेकिन मैंने इसको फेस पर डेफिनेटली यूज नहीं किया। फेस के लिए डेफिनेटली ये जो स्क्रब्स की रेंज है ना नायका की, ये थोड़ी सी हार्श है, इनको मत यूज करना फेस के लिए। इसमें ग्रिटी पार्टिकल्स हैं, स्पेसिफिकली अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है तो और ज्यादा आपकी स्किन को सेंसिटिव बना सकता है। तो मैंने इसको अपनी बॉडी पर ही यूज किया है। आई यूज इट ऑन माई लेग्स, बम एरिया, जो हैंड्स का एरिया होता है। इसने काफी अच्छे से बॉडी को स्क्रब कर दिया था। बट डेफिनेटली यार इतनी सी ट्यूब और इसका प्राइस है 249, तो आप अपनी बॉडी के लिए तो खर्चोगे नहीं, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। अगर आप फेस पे स्क्रबिंग करते हो तो ले लेना, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगी। आई थिंक मैं फिजिकल एक्सफोलिएशन से बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। केमिकल एक्सफोलिएशन करो, स्किन सेफ भी रहती है, ज्यादा उसके अंदर माइक्रो टीयर्स नहीं बनते। अगेन दिस इज हार्श फॉर योर फेस, बट डेफिनेटली ओके फॉर योर बॉडी। कमिंग टू फेस पैक्स, मेरे फेस पर जो भी सूट नहीं करता ना, जो भी मास्क फेस पैक्स होते हैं, उनको अपनी बॉडी पर लगाए खत्म करती हूँ, बिकॉज चीज खुल जाती है, आधी यूज होती है तो मुझे यूज करनी ही पड़ती है। तो ये जितने ही पैक्स हैं मुझे फेस पर नहीं सूट किए थे, मैंने इनको अपनी लेग्स पर लगा के खत्म किया है। सबसे पहले मैंने ये खत्म किया है वाओ का एंटी एक्ने नीम टी ट्री क्ले मास्क, दिस आउट लुक्स लाइक। ये बिल्कुल अपनी ओपटन जैसी पैकेजिंग में आता, थोड़ा सा बचा भी, आप वॉल की साइड इधर देख सकते हो इसका कैसा कलर टेक्सचर है। ये मुझे फेस के लिए बहुत ग्रीसी लगे थे, बिकॉज ये मुझे फेस पे वैसी क्ले मास्क वाली वैसी फील नहीं दे रहे थे, मुझे बड़े ग्रीसी ऑयली लगे। तो मैंने इनको अपनी लेग्स पर लगा के फिनिश कर दिया। लेग्स के लिए मुझे एकदम ठीक लगे, जिस दिन भी मैं शेविंग करती थी या वैसे ही मुझे लगता है कि मैं नहाने से पहले बस 10-15 मिनट एक्स्ट्रा है, तो ऐसे अच्छे से बॉडी पे हैंड्स वैंड्स पे लगा के थोड़े छोड़ देती थी और फिर मैं नहा लेती थी। जो भी टैनिंग होती है, हल्की फुल्की डार्कनेस होती है स्किन पर, जैसे मैं अपने फेस को पैम्पर करना होता है वैसे ही अपनी बॉडी को भी पैम्पर करना चाहिए, तो मैं उसको लगा लेती थी। तो उस सेंस में मुझे ठीक लगा, बट नॉट फॉर योर फेस। नेक्स्ट मास्क जो मैंने लेग्स पर लगा खत्म किया है वो है गुड वाइब्स का डीप क्लेंजिंग फेस मास्क एक्टिवेटेड चारकोल। ये एकदम ब्लैक कलर का फेस मास्क था, ये मेरे पास पर्पल की कोलैबोरेशन में आया था, मुझे एवरेज लगा, मुझे इतना कोई वाव नहीं लगा था, तो मैंने भी इसको लेग्स पर लगा के खत्म कर लिया था। जो मास्क है वो है एम कैफीन का नेकेड एंड रॉ कॉफी फेस मास्क, एंड इट इज वेरी हैवी, मतलब पूरा खत्म हो चुका है, लेकिन ये अभी भी इतना हैवी फील हो रहा है जैसे इसके अंदर कितनी क्वांटिटी हो, बिकॉज ग्लास की बॉटल इसकी काफी हैवी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फ्रेग्रेंस हाई है, तो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो डेफिनेटली अवॉइड। सेकंड, इसमें हल्के से ग्रिटी पार्टिकल्स है, बीच बीच में हल्के से ग्रिटी पार्टिकल्स में आते हैं, तो अगर आप फेस पर लगा के उसके बाद जब वॉश ऑफ करोगे ना, देयर इज अ चांस आप अपने फेस को स्क्रब कर सकते हो फिजिकली, तो एक्ने प्रोन स्किन के लिए अनसेफ हो चुका है, हो सकता है, एंड मुझे इतना कोई वाव नहीं लगा। आई थिंक एम कैफीन की बॉडी स्क्रब के अलावा ना मुझे इनके प्रोडक्ट्स इतने कोई अच्छे नहीं लगे थे, दिस डिडंट वर्क दैट मच, तो इसको मैंने अपनी लेग्स पर लगाए खत्म किया था। आई ऑल्सो हैव टू रेजर्स, बोथ आर फ्रॉम द सेम ब्रांड कार्मेसी के रेजर्स हैं, ये पूरे घिस चुके हैं, इन पर प्रॉपर रस्ट वस्ट भी आ चुका है, वेरी वेरी शार्प। अगर आप बिगिनर हो ना तो प्लीज कार्मेसी के रेजर मत लेना, ये काफी ज्यादा शार्प है, लेकिन अगर आपको काफी टाइम हो चुका है शेविंग करते करते, आपको क्लोज शेव एकदम अचीव करनी है फेस पर, तब आप ये ले सकते हो, बिकॉज ये अच्छे खासे शार्प रेजर है, तो बहुत क्लोज आपको शेव अचीव होती है, अदरवाइज बिगिनर्स स्टे अवे फ्रॉम दिस वन। नेक्स्ट मैंने ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया न्यू यू का रॉयल मस्क फ्रेग्रेंस मिस्ट, ये मेन का है बॉडी मिस्ट, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं रिसेंटली वीडियो बनाई थी ना परफ्यूम्स और बॉडी मिस्ट, मैंने उसमें भी फीचर किया था। अगर आपको मैनली खुशबू पसंद है ना, थोड़ी सी रिफ्रेशिंग फील होती है, इतनी मैनली वाली नहीं है, लेकिन ये अच्छी वैसी फील होती है, दिस नॉट गर्ली फ्लोरल जैसे मीठी मीठी होती है, बिल्कुल वैसी नहीं है, काफ़ी अच्छा मैनली फील देती है। आई लव दिस वन, ये फॉर मैन है, बट ट्रस्ट मी आप ये लेकर देख सकते हो, ये मिंत्रा पे अवेलेबल है आई गेस, और न्यू यू के स्टोर भी आपको मॉल से मिल जाते हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हो, वेरी वेरी नाइस। इसका नाम है रॉयल मस्क, दिस इज हाउ द बॉटल लुक्स लाइक, डेफिनेटली ट्राई दिस वन, यू विल लव इट। With these two tiny products, सबसे पहले है ये न्यूट्रोजना का हाइड्रो बूस्ट वाटर जेल, जो मैंने लास्ट ईयर खरीदा था अपने फ्रेंड की शादी के टाइम, आई लव इट। मैंने उस टाइम सारे फंक्शन में यही यूज किया था एज अ बेस मॉइस्चराइजर। समर्स में स्पेसिफिकली अगर आप भरी गर्मी का कोई वेडिंग अटेंड कर रहे हो ना, ये लगाकर देखना, यू विल लव इट। स्पेसिफिकली अगर आपकी ऑयली स्किन है तो बहुत अच्छे स्किन को नरिश करता है, एट द सेम टाइम ज्यादा ग्रीसी नहीं बनाता, मेकअप आपका बहुत अच्छा इसके ऊपर अप्लाई होता है। ये जो क्लिनिक का मॉइस्चर सर्ज है ना, उसका एक अफोर्डेबल ड्यूप आप बोल सकते हो। परफ्यूम जैसी इसमें इन्होंने खुशबू डाली हुई है, इसका फ्रेग्रेंस फ्री वर्जन आता है, लेकिन वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। अगर इंडिया में वो लॉन्च हो जाएगा ना, तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, बिकॉज फ्रेग्रेंस फ्री अगर ये हो जाएगा तो ये परफेक्ट मॉइस्चराइजर बन जाएगा, अदरवाइज फ्रेग्रेंस कैन इरिटेट सम पीपल। एंड लास्ट आई हैव दिस सेंट डिवेंस का टी ट्री बॉडी वॉश का सैंपल, जो मेरे पास काफी सारे थे पहले जब मैं स्मिटन से शॉपिंग करती थी, या वैसे भी अगर आप सेंट डिवेंस को नायका से भी लोगे ना, तो आपको ऐसे कुछ ना कुछ फ्री मिल जाता है। ये बॉडी वॉश बहुत अच्छा है, अगर आपको बैक एक्ने इशू है, बॉडी पे रैशेज है ना, तो ये वाला बॉडी वॉश एक बार लेके देखना। ये टी ट्री यूकलिप्टस जो भी इनके अंदर
पेपरमेंट जो भी इन्होंने एसेंशियल ऑयल डाले ना, ये आपके एक्ने, बैक एक्ने और पे बहुत अच्छे से वर्क करते हैं. सो आप ये ट्रायल सैंपल लेके देख सकते हो उस मिटन से, उसके बाद आप इसका बड़े वाला ले सकते हो. यू विल लव इट. एंड वी आर डन विद आवर प्रोडक्ट एमडीज. आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी. आपको पता चल गया होगा कौन सा वर्थ है कौन सा वर्थ नहीं है. जो मैंने आपको रिकमेंड करे प्रोडक्ट्स उन सबके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और जो मैंने बोला है नहीं अच्छे उनके मैं लिंक डेफिनेटली नहीं देने वाली. सो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना. ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर रिव्यूज. ऐसे बहुत सारे रिव्यूज मैं इंस्टाग्राम स्टोरी रील्स पोस्ट के थ्रू करती रहती हूँ, तो प्लीज वहां जाके मुझे फॉलो कर दो. ऑल्सो ये बहुत सारे मेरे पास एम्प्टी जार्स हो चुके हैं, सो जस्ट इन केस आप वेस्ट दिल्ली में रहते हो, दिल्ली में रहते हो, आपका कुछ काम है रिसाइकलिंग का, या फिर आप उनको अपसाइकिल कर सकते हो, कुछ यूज कर सकते हो, प्लीज मुझे कॉन्टैक्ट करना. मैं इन सबको संभाल के रखती हूँ. मेरा मन नहीं है इनको ट्रैश में डाल के वेस्ट करने का. अगर आप कुछ ना कुछ तरीके से इसको रीयूज कर सकते हो ना, प्लीज मुझे डेफिनेटली कॉन्टैक्ट करना इंस्टाग्राम पे. मैं किसी ना किसी तरीके से आपको हैंड ओवर कर दूंगी और फिर आप इनको यूज कर लेना, बिकॉज मुझे ही बुरा लगता है यार ये ट्रैश में इतना सारा नहीं डालना चाहती. अगर ये चीजें रीयूज या फिर अपसाइकिल हो सकती है तो प्लीज डेफिनेटली अपसाइकिल देम. एंड दैट इज टुडेज वीडियो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.